लूप इतने हो चुके हैं मगरिब से कि हमारी अफकार, हमारी पैटर्न ऑफ थॉट्स, मेरी वो चीजें इंस्टॉल हो रही हैं, तो इसलिए अब हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एज अ शायर आपने बहुत ही खूबसूरती से अपना जो है ना आईना आपने जरूर दिखा दिया है। वही बात है कि आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए, लेकिन हमारा काम है कि आईना दिखा दें हम। और जी आप जारी रखें बेशक। जी डॉक्टर साहब, मेरी आपसे एक एसेंशियल रिजेम्बलेंस है कि हम दोनों ही तदरीस के शोबे से मुंसलिक हैं। आप आजकल के जो हमारी स्टूडेंट्स हैं या हमारे तालिब इल्म हैं, उनमें आप इस शायरी को एज इंस्ट्रक्शन टूल बना सकते हैं या नहीं? किस तरह से हम उनको उनकी तदरीस में ये जो हमारा फन है, हम उसमें उनको कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते? जी मैं खुद जो क्लासेस लेता हूँ तो उसमें वो फलसफे की क्लास हो या बिजनेस एथिक्स की क्लास हो, तो उसमें जो शेर किसी खास मौजू के लिहाज से मौजू हो वो मैं शेर सुनाता हूँ और लोग उसे समझते हैं। और बाज़ औक़ात मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, क्योंकि कई लोगों की उर्दू उतनी अच्छी नहीं होती क्लास में जहां मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उनको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी बता दिया जाता है। तो वो अमूमन उससे, आप जैसा कि पहले आपने इस तरह की बात की कि एक समुंदर को जाहिर है एक शेर कूजे में बंद कर देता है जी। आपको एक मैसेज की शक्ल में आप उसे अपने साथ कैरी कर सकते हैं और आपके जहन का, आपकी याददाश्त का, आपके आपके जज्बात का वो एक हिस्सा बन जाता है और उसका आपकी फिक्र पे और आपके अमल पे असर पड़ता है। हम इस पे एक अलग से एक कोर्स भी मेरे ख्याल में बना सकते हैं। बना सकते हैं बिल्कुल जी। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने दो सब्जेक्ट्स का भी जिक्र किया, अब देखिए जैसे मीर का वो शेर है, अमीर जादों से दिल्ली के मत मिलाकर मीर, कि हम गरीब हुए हैं इन्हीं की दौलत से। इन्हीं की दौलत से, वाह वाह वाह, बहुत ही खूब बहुत खूब। अब ये मुआशी मामले को बिल्कुल एड्रेस कर रहा है ये शेर। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मिसाल के तौर पे इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रही है तो वहाँ इस तरह के अशार पेश किए जा सकते हैं। जा सकते हैं बिल्कुल। और फिर जी जी जी, या जैसे इकबाल ने कहा है, खुदी को न दे सीम उजर के एवज, नहीं देते शोला शरर के एवज। बिल्कुल। यानी अब ये अगर आप एथिक्स की बात कर रहे हैं, मोरलिटी की, अखलाकियात की बात कर रहे हैं, तो इसमें यही कहा जा रहा है कि डू नॉट गिव योर सेल्फ योर ईगोहुड इन एक्सचेंज फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, बिकॉज अ बर्निंग फ्लेम कैन नॉट बी गिवन इन एक्सचेंज फॉर अ मियर स्पार्क, दिस इज नॉट अ गुड बार्गेन। तो इस तरह से शेर के हवाले मुख्तलिफ अंदाज में हम दे सकते हैं। तो यकीनन हमारे सामईन और हाजरीन हमारी हमारे इस मेहमान की सैर हासिल गुफ्तगू से बहुत महजूज हो रहे होंगे और आज हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, मुकम्मल सोसाइटी के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से, आज के प्रिवेलेंट इश्यूज से, कंटेम्पररी टूल्स से हमने बात की जो कि बहुत ही मुस्तहकम है। और ये बात बहुत ज्यादा हमारे लिए काफी, हमारी इस नौजवान नस्ल के लिए काफी जरूरी है कि उनको हर तरीके से अपनी शायरी के जरिए या फिलोसफी के जरिए या स्पीचेस के जरिए उनको आज की इस दौर की जो मस्तक पहलू हैं वो उनके सामने रोशनास कराए जाएं। आपकी किताब में असद साहब एक पहले ही पेज पे एक सवाल जवाब का एक हिस्सा है, सवाल दिलबाग साहब ने किया है और जवाब आपने दिया है, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए। अब ये बड़े खूबसूरत अंदाज में गुलजार साहब ने ये तीन मिसरे लिखे हैं जी, जिसमें वो कहते हैं, सब पे आती है सबकी बारी से जी, मौत इंसाफ की अलामत है, जिंदगी सब पे क्यों नहीं आती। यानी जो बात इसमें मख्फी है वो ये है कि मौत तो इंसाफ की अलामत है, वो तब आती है जब उसकी बारी होती है जी। लेकिन जिंदगी के मामले में ऐसा नहीं होता, यानी जिंदगी ना इंसाफियों में गुजरती है तो ऐसा क्यों होता है? तो कहीं ऐसा तो नहीं, एक पहलू ये भी इसमें निकलता है कि भाई मौत जो है वो तो अल्लाह ताला की तरफ से आती है, तो जिंदगी में इंसाफ फिर क्यों नहीं होता? तो इसके जवाब में जो अशार लिखे हुए हैं वो मैं पेश करता हूं।
आपकी खिदमत में।